नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 35 नवजात बालिकाओं का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर वीर पाल निर्वाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यक्रम में 35 नवजात बालिकाओं को बेबी किट, कंबल व मच्छरदानी उपहार स्वरूप भेंट की गयी। कार्यक्रम में बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गयी। बालक बालिका लिंग अनुपात के विषय पर चर्चा की गयी और नवजात बालिकाओं के माता पिता को बधाइयां देते हुए उन्हें मिठाइयां खिलाई गयी। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में CMS जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर आभा अत्रे, राम कुमार शर्मा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, रविन्द्र कुमार सहकारिता प्रकोष्ठ, संजय कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी, शिवांगी बालियान महिला कल्याण अधिकारी, रेणु सिंह DCMS आदि मौजूद रही। आज जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये कन्या जन्मोत्सव, जो भी जो कन्या 3-4 दिन के अंदर अंदर पैदा हुई उनके लिए ये कार्यक्रम किया गया और उनको यहाँ किट उपलब्ध कराए गए, जिसमें बच्चे के लिए जो जरूरी किट है वो कंबल है, उनके लिए मच्छरदानी है, इस तरह का उनके माताओं को दिया गया ताकि उन बच्चों की सुरक्षा हो सके। क्या उद्देश्य है इसका? उसका उद्देश्य वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो कन्या जन्मोत्सव मनाया जाता है, पहले भी मनाया गया था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह अस्पताल में जो जन्मी कन्याएं होती हैं उनका ये जन्मदिन मनाया जाता है। आज हमारे अस्पताल का चुनाव था, आज ये हमारे यहाँ मनाया गया, तो हमारे यहाँ जितनी भी कन्याएं आज उपस्थित थीं, जैसे कल जन्मी परसों जन्मी या फिर जो सीजर में जो भी जितनी भी कन्याएँ हैं, करीब 40 के आसपास कन्याएँ हैं जिनका आज जन्मदिन यहाँ संयुक्त रूप से मनाया गया। और जहाँ पे ये जो हमारी महिला कल्याण अधिकारी हैं शिवांगी और हमारे DPRO सर हैं, इन सब की तरफ से ये किट दी गई है, जिसमें कि तेल साबुन तो है ही है, इसमें इस बार मच्छरदानी भी है, डॉल है बच्चे के लिए, तो ये चीज़ें जिससे कि ये बढ़ावा मिले, जो लोगों के मन में ये रहता है कि लड़कियों को नहीं जन्म देना चाहते, उनके जन्म से दुखी होते हैं, तो वही कि हमारे यहाँ जो लड़के लड़की का रेशो है वो अभी तक भी बराबरी पे नहीं है, तो लड़की का रेशो वो आए, मन से ये निकल सके कि लड़कियाँ किसी से कम है, लड़कियाँ लड़कों के बराबर ही हैं, उनको पढ़ाई लिखाई दे तो वे आज कहाँ नहीं पहुँच रही हैं। चंद्रयान में भी इतनी सारी महिलाओं का योगदान था, हमारी तब क्रिकेट टीम जीत के आई थी, अभी भी इतने सारे मेडल लोग लेके आ रही हैं लड़कियाँ। पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, मतलब अंतरिक्ष वाला हमारे अनुसंधान का क्षेत्र हो, हर जगह लड़कियां आगे हैं, तो यही हमें अपनी पब्लिक को भी यही समझाना, यही मोटिवेट करना है कि लड़कियां बिल्कुल कम नहीं हैं, तो वही उनके जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए कि उनकी खुशियां मनाई जाएं, ना कि उससे उनको गम मनाया जाए, बल्कि खुशियां मनाएं, उनका बहुत सेलिब्रेट करें लड़की पैदा होना तो घर में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।